नमस्कार, पदवेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सिंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। लामता में स्थैतिक निगरानी टीम ने पकड़े 2,83,000 रुपए के आभूषण, वाहन चेकिंग के दौरान की कार्रवाई। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 5-5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा। लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन भरने का सिलसिला जारी, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक समृति ने दाखिल किया नामांकन। रामपाली पुलिस ने छेड़छाड़ के दो आरोपियों को भेजा जेल, सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी आपत्तिजनक फोटो। और ग्राम पंचायत टेकाड़ी के पढ़ार टोला में खाचर से निकली बारात, बारात देखने उमड़ी थी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद से नामांकन पत्र जमा करने का दौर जारी है। गुरुवार को कुल 6 प्रतिनिधियों ने नामांकन पत्र प्राप्त किए। वहीं पूर्व विधायक किशोर समृति के द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन का वक्त खत्म होने की वजह से शपथ नहीं हो पाई। शुक्रवार को श्री समृति शपथ प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। श्री समृति ने कहा कि वे अभी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फॉर्म भर रहे हैं। पार्टी का अपना फैसला है, इसके बाद वे अधिक कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। सर, आज आपने नामांकन दाखिल किया, कौन सी पार्टी से नामांकन? अभी तो मैंने निर्दलीय भरा हूँ, और चूँकि 3 बज गया था तो आज शपथ का काम नहीं हो पाया, कल आके शपथ लेंगे उसको, और अभी निर्दलीय मैंने भरा हूँ काम। सर, क्या बिंदु को लेकर के लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो बिंदु हैं, मूल बात ही अगर बोलूँगा तो सबको खराब लगेगा। पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट को बचाने की बात होती है, बालाघाट जिले में इन्वायरमेंट को नष्ट करने वाले लोग अब तक सांसद बने, पहला इशू, ये बड़ा इशू है, राष्ट्रीय इशू है। दूसरा, इस जिले में कास्ट पॉलिटिक्स है, सारे राजनेता बदमाशों से घिरे हुए हैं। जितने भी बदमाश हैं यहाँ के राजनेताओं का गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की राजनीति की बेहतर सफाई हो। चूँकि 10 साल बाद मैं फार्म भर रहा हूँ, मुझ पर 6 साल का बैन था, तो वो कम्प्लीट हो गया। तो मैं चाहता हूँ जिले में बेहतर डेवलपमेंट हो, विकास हो, और यहाँ की जो एकदम लो प्रोफाइल पॉलिटिक्स है उसमें बदलाव आए। आप बसपा पार्टी में थे, उनने किसी और को टिकट दिया है? देखिए, बसपा ने हमारे परिवार को टिकट दिया, सम्मान दिया, उनका अपना सोच है, हम एन जी का सम्मान। आप निर्दलीय लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे, उनका अपना पार्टी का क्या है उस पर नहीं, हमारा बहन जी के प्रति सम्मान है, हम उस पूरे मुद्दे पर एक बार भी निकलेंगे, वो पार्टी का फैसला है। रामपाली पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में मानेगांव निवासी निर्दोष पटले और कोथुरना निवासी महेश भीषण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता के द्वारा इन दोनों आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि इनके द्वारा सोशल मीडिया में आपत्तिजनक फोटो डाली थी, जिसकी शिकायत फरियादी के द्वारा की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। इस घटना के संदर्भ में रामपाली थाना प्रभारी कुंवरलाल वरकड़े के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। हाँ, कल आरोपी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, एक निर्दोष पटले और महेश भीषण। 354 हाँ के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ था फरियादी की रिपोर्ट पर जी, उनको कल गिरफ्तार किया गया है। सर, उन्हें न्यायालय कब पेश किया जाएगा? आज उनका एक दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था, आज उनको न्यायालय पेश किया जाए। सर, पुलिस रिमांड में कुछ जानकारी निकल के सामने आई? नहीं, उनसे हमें कुछ मोबाइल वगैरह जब्ती करना था, इसलिए पुलिस रिमांड लिया गया। आदिशक्ति माँ भवानी की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र 6 अप्रैल को धार्मिक परंपराओं के अनुरूप मनाया जाएगा।
इस पर्व को लेकर माँ दुर्गा के दरबार में व्यापक तैयारियां की जा रही है, जहां विधि विधान से माँ दुर्गा की उपासना कर अखंड ज्योति कलशों की स्थापना की जाएगी। शनिवार को सभी दुर्गा मंदिरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान विधिवत कराए जाएंगे। नगर के कालीफाट मंदिर में भी चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर अखंड ज्योति कलशों की स्थापना की जाएगी। वहीं नगर के जयस्तंभ चौक के समीप स्थित माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर में भी चैत्र नवरात्र की व्यापक तैयारियां की जा रही है। नगर के हृदय स्थल पर स्थित पुराने राम मंदिर के पास मां अन्नपूर्णा मंदिर में गुरुवार को प्रतिमा विस्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूर्ण वैदिक विधि विधान के साथ मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर उसे मंदिर में स्थापित किया गया। खाली आइए ना, गणपति बाप्पा। इस कार्यक्रम के संबंध में श्रद्धालु दिलीप चौरसिया ने बताया कि अन्नपूर्णा मंदिर करीब 200 वर्ष पुराना है, जो कि वर्तमान में जर्जर हालत में हो गया है, जिसके जीर्णोद्धार को लेकर पूजा अर्चना कर मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा सहित देवी देवताओं की प्रतिमाओं को अन्य कक्ष में विस्थापित किया गया है। मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद विधिवत इन प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। आज माँ दुर्गा अष्टमी के पूर्व है, माँ अन्नपूर्णा मंदिर जो वर्षों से प्राचीन मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार किया जाना है। 200 साल पुराना मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार कराना है। इसको विस्थापित करने के लिए माँ अन्नपूर्णा को उस स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर टेम्परेरी रूप से, जब तक मंदिर का निर्माण हुआ, स्थापित करना है। उसकी आज विधि विधान से पूजा करके माँ को वहाँ से अलग हटाकर दूसरे स्थान स्थापित करने के लिए आज महायज्ञ कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हवन होगा, इसके बाद माँ की स्थापना होगी और कल एक दो दिन से हम मंदिर को थोड़ा विस्थापित करके नया मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण जनता के सहयोग से किया जाए। लोकसभा चुनाव के तहत वाहनों की चेकिंग के दौरान स्थैतिक निगरानी टीम क्रमांक 2 पे विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा से गुरुवार को लामता में वाहनों की जांच के दौरान 5 किलो 875 ग्राम चांदी एवं 20 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए। जब्त किए गए इन आभूषणों की कीमत 2,83,250 रुपये आंकी गई है। जानकारी के मुताबिक नैनपुर निवासी राहुल वर्मा के द्वारा यह आभूषण नैनपुर ले जाया जा रहा था। जांच के दौरान श्री वर्मा के द्वारा आभूषण के दस्तावेज नहीं पाए गए, जिस पर जब्त आभूषणों को सीलबंद कर कोषालय बालाघाट में जमा कराया जा रहा है। वारासोनी के ग्राम पंचायत टेकाड़ी के पढ़ार टोला निवासी सुरेंद्र ठाकरे ने पुरानी परंपरा के तहत स्वयं का विवाह करने सामाजिक रीति रिवाज से करने के लिए खाचर से बारात निकाली, जो लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही और इस बारात को देखने के लिए खासी भीड़ नजर आई। यह बारात पढ़ार टोला से होते हुए कोथुरुना पहुंची, जहां वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बताएं कि वर्ष 2018 में भी पढ़ार टोला से देवेंद्र ठाकरे ने भी अपनी बारात खाचर से निकाली थी। इस संदर्भ में दूल्हे के चाचा शोभाराम ठाकरे ने बताया कि इस बारात का मुख्य उद्देश्य संस्कृति को जीवित रखना है। पटार टोले से निकाली गई है। किन की है ये? सुरेन ठाकरे। सुरेन ठाकरे की? हाँ। आपका भतीजा है? हाँ। कहाँ जा रही है बारात? कोथुरना। बारात कोथुरना जाएगी? हाँ। तो आज के परिदृश्य में ऐसी बारात निकालने का क्या उद्देश्य है आपका? गाय वर्ष तो निकाल के इसलिए आज से भी निकाल लीजिए। गाय वर्ष हमारे खुद के लड़के की बारात ऐसी लेके थे। गाय वर्ष भी निकाले थे आपने? तो इस वर्ष भी निकालो। हाँ जी, हमारे मालूम भाई को बोले कैसा निकाल, तो आप उनको सबक दिखा, चलो भाई तुम्हारा भी निकालो। था अशासकीय CBSE माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से संबंध एवं राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त
सभी असास के विद्यालयों के विद्यालय परिसर और विद्यालयीन अनुशंसा पर किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, बैग आदि का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। इन स्थितियों पर सतत निगरानी रखने के लिए जबलपुर संभाग के सभी जिलों में असास के विद्यालयों के निरीक्षण के लिए गठित निगरानी समिति के द्वारा 20 अप्रैल तक सघन जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारी चंद्र प्रभाष शेखर ने जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी जुगल शर्मा और शेषराम रांगडाले को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश के अनुसार लोकसभा चुनाव में बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के लिए समन्वयक नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करें। किरणापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोहगा उखारा में जंगली सुअर के हमले से एक चरवाहा घायल हो गया। घायल चरवाहा शिवदास बंजारे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक शिवदास मवेशी चराने खेत गया हुआ था, तभी झाड़ी में छुपी जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त की विद्वान अदालत ने सहायक अध्यापक राजू उर्फ राजीव लिल्लारे को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम कोसमी निवासी इस आरोपी के विरुद्ध एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप था। जानकारी के मुताबिक 12 फरवरी को गुजराती समाजवाड़ी बालाघाट में यह लड़की अपने परिवार के साथ सगाई के कार्यक्रम में आई थी। इसी दौरान आरोपी के द्वारा लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी। मैं अखिल कुमार कुशराम, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बालाघाट। आज माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त द्वारा पास्को के एक मामले में आरोपी राजू उर्फ राजीव पिता रामचंद्र एफ सी आई गोदाम के पीछे कोसमी बालाघाट का रहने वाला है, उसे धारा 354 भारतीय दंड विधान में दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से और लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 9/10 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास में 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवी श्री के एल वर्मा जिला अभियोजन अधिकारी बालाघाट द्वारा की गई। चूँकि आरोपी शिक्षक के पद पर पदस्थ था, घटना कुछ इस प्रकार है कि 12 फरवरी 2018 को पीड़िता अपने माता पिता के साथ गुजराती समाजवाड़ी में अखिल नकपुरे का सगाई का कार्यक्रम था, उसमें गए हुए थे। सगाई कार्यक्रम के दौरान करीब 5:30 बजे पीड़िता उनके माता पिता को काफ़ी ढूंढने पर नहीं मिल रही थी। जब उसकी पीड़िता की माँ को बच्ची मिली तो काफ़ी रो रही थी, तो उसकी माँ ने पूछी कि क्या घटना हुई, तो उसने बताई कि आरोपी राजू उर्फ राजीव उसे छत पर घूमने के बहाने ले गया, उसके साथ अश्लील हरकतें किया, तो वह धक्का देकर वहाँ से भाग कर आई है। सगाई का कार्यक्रम होने के बाद पीड़िता अपने माता पिता के साथ अपने घर जागपुर आ गई, जहाँ पर पीड़िता के पिता को उसकी पीड़िता की मां ने घटना की पूरी जानकारी दी। तब उन्होंने थाना कोतवाली में जाकर इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। तब पीड़िता का थाना कोतवाली द्वारा मेडिकल परीक्षण कराया गया और विवेचना के दौरान गवाहों के कथन लिए गए। और लांजी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बड़गांव मनेरी के बीच सड़क हादसे में 21 वर्षीय युवक ऋषभ बसोने की मौत हो गई। मृतक कारंजा निवासी है। जानकारी के मुताबिक ऋषभ मोटरसाइकिल से बड़गांव से मनेरी जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल फिसलने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल लांजी लाया गया, जहाँ से उसे जिला अस्पताल रिफर किया गया। अस्पताल पहुँचने से पूर्व ही उसकी मौत हो गई। सिंधी समाज द्वारा मनाया जाने वाला झूलेलाल महोत्सव गुरुवार से प्रारंभ हो गया है। इसकी शुरुआत सद्भावना मैराथन दौड़ से की गई। इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। यह दौड़ हनुमान चौक से प्रारंभ होते हुए नगर भ्रमण कर हनुमान चौक में संपन्न हुई। झूले लाल आयो लाल झूले लाल
इस कार्यक्रम के संदर्भ में सिंधु सेना के जिला अध्यक्ष संजय लालवानी ने बताया कि सिंधी समाज के इष्टदेव झूलेलाल साईं जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। हमारे सिंधी समाज में हमारे इष्टदेव झूलेलाल साईं जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज सिंधी समाज के सभी भाई इस सद्भावना मैराथन में दौड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज से इस महोत्सव की शुरुआत हो रही है। ये 4 दिनी महोत्सव है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज युवा वर्ग और समाज को जागृत करने के लिए और समाज में सद्भावना भाईचारा लाने के लिए सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें सिंधी समाज के सभी युवा और हर वर्ग के और हर आयु के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आज हम लोग यहाँ पर झूलेलाल साईं की आराधना करके और सर्वधर्म सद्भावना का संदेश देने के लिए। जिले में नवोदय विद्यालय पात्रता परीक्षा का आयोजन 6 अप्रैल को किया जा रहा है। इस परीक्षा के सफल संचालन को लेकर नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी आर के लटारे के नेतृत्व में केंद्राध्यक्षों की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें उन्होंने परीक्षा के आयोजन को लेकर आवश्यक जानकारियां दी। उसके अगले कॉलम में बच्चे का सिग्नेचर लेना है, उसमें लिखा हुआ है उसमें बच्चे का सिग्नेचर लेना है, हर बच्चे का। अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो भी उसके टेबल पर क्वेश्चन बुलेट रखना है और उसका सेट लिखना है। उसके सिग्नेचर की जगह पर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हम एब्सेंट शो करेंगे रेडिंग से। इस संदर्भ में नवोदय विद्यालय के प्राचार्य पूनम राज शर्मा के द्वारा परीक्षा के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। ये नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा जो 6 तारीख को आयोजित होने जा रही है, पूरे इंडिया में आयोजित हो रही है और बालाघाट में भी इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 24 सेंटर हैं और पूरे बैहर बालाघाट बिरसा कटंगी खैरलांजी किरनापुर लाल बर्रा लांजी परसवाड़ा और वाराशिवनी में ये आयोजित होने जा रही है और 10,056 बच्चे इस परीक्षा में भाग लेंगे। मैडम कब आयोजित होंगे ये? 6 तारीख को है। किस तरीके की तैयारी की गई है? ये 10:30 बजे तक बच्चे सेंटर पर पहुंचेंगे और 11:30 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा। मैडम इसमें कुछ नियम बनाए गए होंगे किस प्रकार से बच्चों क्या लाना है? हाँ, एडमिट कार्ड लाना है। बच्चों ने इस बार ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि खाली ऑनलाइन फॉर्म भरे गए, इसके पहले ऑफलाइन फॉर्म भी भरे जाते थे, इस बार ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं और एडमिट कार्ड वहीं से। वैनगंगा नदी के किनारे नर चीतल की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर चीतल का शव बरामद किया। इस संबंध में दक्षिण वन मंडल के SDOP श्री पटोदी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। लामता में स्थैतिक निगरानी टीम ने पकड़े 2,83,000 रुपए के आभूषण, वाहन चेकिंग के दौरान की कार्रवाई। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 5-5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा। लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन भरने का सिलसिला जारी, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक समृति ने दाखिल किया नामांकन। रामपाली पुलिस ने छेड़छाड़ के 2 आरोपियों को भेजा जेल, सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी आपत्तिजनक फोटो। और ग्राम पंचायत टेकाड़ी के पढ़ार टोला में खाचर से निकली बारात देखने उमड़ी थी। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।